आप जाएंगे तो सारी जगह आपको रोड्स पे राम जी के स्टैचू दिखेंगे। वेलकम बैक टू द आवली ब्लॉग। सो यहाँ पे मुकेश भाई यार लगा रहे बढ़िया वाली नेल पॉलिश। मजा आ रहा किसी? वाह यार, पिंकी को पिंक पिंक कलर का लगा रही है, बहुत बढ़िया। बाली क्यों पहनते हैं? तो अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता था, तो अब पता चला भैया। ये वीडियो देखो, आपको भी पता चल ही जाएगा क्या सीन है। में बालियां पहनना भारत का एक रिवाज है, लेकिन क्या आपको पता है किसके पीछे एक आध्यात्मिक विज्ञान भी छिपा हुआ है? मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के पिता कौन है। यह है ऋषि सुश्रुत, जिन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता, जो कि सनातन धर्म की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक भी मानी जाती है। अब इसके अंदर चैप्टर 16 में जाएंगे तो वहां पर ये बात करते हैं कानों में बालियां पहनने के बारे में। ये कहते हैं कि कानों में बालियां महिलाएं या पुरुष कोई भी पहन सकता है। कानों में बालियां पहनना एक सजावट के साथ साथ सुरक्षा का भी काम करता है। सुरक्षा से उनका जो कहने का तात्पर्य है ना, ये मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की एनर्जी सिस्टम होती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, जिसे योग में ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहा जाता है। अब मैं आपको एक और चीज समझाने वाला हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें एक साथ समझोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो महिलाएं होती है ना, उनको जब कानों में बालियां पहनाई जाती है तो सबसे पहले लेफ्ट कान में पहनाई जाती है, उसके बाद राइट कान में। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे फेमिनाइन होती है, राइट साइड पे मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी का फ्लो बना रहे, इस वजह से पहले लेफ्ट उसके बाद राइट। पुरुषों के पास ऑप्शन होता है, वो पहनना चाहते तो पहनिए वरना इट्स ओके। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उनको जब पहनाई जाती है तो सबसे पहले राइट कान में पहनाई जाती है, उसके बाद लेफ्ट कान में पहनाई जाती है। जैसे कि मैंने सिर्फ राइट कान में पहनी है, लेफ्ट में नहीं पहनी है, इट्स ओके हमारे लिए। क्यों? तो जो महिलाएं होती है ना, वो अगले ह्यूमन को बॉर्न करती है, उनको पीसीओडी जैसी बीमारियां होती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी वजह से उस प्रकार से एनर्जी को बैलेंस करने के लिए दोनों कान में पहनाई जाती है। आप सोच रहे कि कान में बाली पहनने से कैसे एनर्जी बैलेंस हो जाएगी? तो काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ कान है, लेकिन सजावट का भी काम करता है, इसी वजह से कान में पहनाई जाती है। बाकी आपने देखा होगा नाप में पहनते, वो भी लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे फेमिनिन एनर्जी होती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नमस्कार। यार काफी बढ़िया, अच्छा लगा होगा ना, तो एक लाइक कर दें। और अब ये देखो वीडियो, भाई इंडोनेशिया में भी है ना, अपने जय श्री राम जी को काफी धूमधाम से ना माना जाता है। वो यार हर जगह पे ना आपको है ना श्री राम की काफी सारी है ना मूर्तियां मिल जाएंगी। अब देखो यार वीडियो, पता चल जाएगा। दोस्तों इंडोनेशिया में जब आप जाएंगे तो सारी जगह आपको रोड्स पे राम जी के स्टैचू दिखेंगे, सीता माँ के स्टैचू दिखेंगे। इंडोनेशिया के लोग रामायण को दिल से मानते हैं। अगर वहाँ की पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 87.2% वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, 1.7% हिंदू हैं, 2.9% रोमन कैथोलिक। इंडोनेशिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। इंडोनेशिया में रामकथा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ इंडिया में राम जी की नगरी अयोध्या है, और वहाँ इंडोनेशिया में राम जी की नगरी को योग्य माना जाता है। जो रामायण है वो 7000 साल पुरानी, और कहते हैं बहुत हजारों साल पहले इंडोनेशिया में रामायण का पता लगा था और उन्होंने इसे अपने कल्चर में अपना लिया। स्कूल से लेके टीवी में, बुक्स में, सारी जगह रामायण पढ़ते हैं लोग। इस चीज को वो किसी रिलीजन से नहीं जोड़ते हैं, एक बेहतर लाइफ के लिए इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि एक अच्छा जीवन हो आगे जाके। काफी खतरनाक बेस्ट है यार, गजब का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।